हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो.com। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा VI यानी वोडा आइडिया के सिम में वोल्ट कैसे इनेबल करते हैं। जैसे कि आप यहां पे टॉप में देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखा है अपने VI के सिम में। तो वोल्ट इनेबल करने से आप लोगों के इंटरनेट की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी और वीडियो भी अच्छे से देख पाओगे, डाउनलोड अपलोड की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और कॉलिंग की बात करें तो आप कॉल भी अच्छे से कर पाओगे और इंटरनेट की स्पीड तो बढ़ ही जाएगी वोल्ट को एक्टिवेट करके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वोल्ट को एक्टिवेट करने के लिए यानी VI में वोल्ट को एक्टिवेट करने के लिए मैसेज ऐप को ओपन कर लेना है जहाँ से आप मैसेज करते हो। तो चलिए हम मैसेज ओपन कर देते हैं। उसके बाद आपको नीचे में स्टार्ट चैट पे क्लिक कर देना है और इसको किस नंबर पे सेंड करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। और नंबर टाइप करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपको आपका वोल्ट एक्टिवेट हो जाता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, नंबर बता देता हूँ। नंबर है वो 53966 और उसके बाद इसको सेंड टू 53966 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज में क्या लिखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो भी लिखना है आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखना है ACT एक्ट स्पेस VOLTE, ये दो चीज़ लिख देना है। एक्ट वोल्ट यानी कि एक्ट मीन्स एक्टिवेट वोल्ट और इसको सेंड कर देना है। सेंड करते ही आपका वोल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए गाइस, मेरा वोल्ट ऑलरेडी एक्टिवेट है तो यहाँ पे मैसेज आया, डियर सब्सक्राइबर, वोल्ट सर्विस इज ऑलरेडी एक्टिव फॉर योर नंबर। इन केस एक्टिवेट नहीं होता है तो आपको एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड को ऑन करके ऑफ कर देना है। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं कैसे करना है। आपको यहाँ पर एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड दिख रहा होगा, इस पर आपको ऑन कर देना है, फिर तुरंत इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपका ये वोल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।